वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आज पांच वर्ड्स 186 से लेकर के 190 तक हम समझेंगे। पांच का पहला वर्ड है एस्केप गोट, हिंदी है बलि का बकरा। एस्केप SCAPE, एस्केप को कभी भी आप इस तरह का मत समझ लेना। एस्केप मतलब बचना होता है, लेकिन SCAPE को भी बोलते हैं एस्केप ही। एस्केप गोट मतलब होता है बलि का बकरा। दूसरा है ट्रेजडी, ट्रेजडी का मतलब होता है दुखांत नाटक या मूवी। मूवी भी देखते हैं तो ट्रेजडी वाली होती है, उसको बोलते हैं दुखांत नाटक। पढ़ते हैं ट्रेजडी, एक ही बार में पढ़ते हैं। एस्केप गोट को दो बार में पढ़ते हैं, फिर से लिखता हूँ एस्केप और गोट दो बार में पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं दो बार में बाई और एनियल, द्विवार्षिक। फिर है वार ड्रोव अलमारी, पगना सिटी, पगना सिटी मतलब झगड़ालूपन। तो ये पांच वर्ड्स हैं और पांच में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप वार्ड्रोब मतलब अलमारी तो जानते हैं, लेकिन यूज बहुत कम करते हैं। अलमारी को अलमीरा भी ALMIRAH कह सकते हैं। स्केप गोट बलि का बकरा। बलि का बकरा क्या होता है, मतलब गलती किसी ने किया, सजा किसी को मिली, इसको बोलते हैं बलि का बकरा होना। जो गलती किया उसको सजा नहीं मिली, जो नहीं किया उसे उसके बदले में सजा दे दी गई, दूसरे को भुगतना पड़ा। वन हु इज मेड टू सफर फॉर अनदर, वन हु इज मेड टू सफर, जिसे सफर कराया गया, पीड़ित कराया गया, सजा दी गई फॉर अनदर, दूसरे के लिए, जिसको दूसरे के लिए सजा दी गई। अगर ए ने गलती किया तो बी को सजा दी गई, तो कहेंगे कि बी है बलि का बकरा, स्केप गोट है। फिर है ट्रेजडी, दुखांत नाटक। अ प्ले विच एंड इन डेथ एंड सोरो, एक नाटक जो समाप्त होता है मृत्यु और दुख में, मृत्यु और दुख में समाप्त होता है। जैसे आप मूवी देखते हैं तो कोई हीरो जो आपका बहुत ही फेवरेट हीरो है, लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो स्टोरी में जो चाहता है नहीं मिल पाता है, तो आप दुखित होते हैं, तो वैसे को बोलते हैं ट्रेजडी। जिसमें खुशी मिलती है, तो ट्रेजडी का पॉइंट है कॉमेडी, उसको बोलते हैं कॉमेडी। सुखांत नाटक, कॉमेडी में सुखांत नाटक, ट्रेजडी में दुखांत नाटक। फिर है बाईएनियल, बाईएनियल का मतलब द्विवार्षिक, द्विवार्षिक मतलब दो वर्ष में एक बार होना, द्विवार्षिक कहलाता है। एक वर्ष में दो बार होना को हाफ ईयरली कहते हैं, हाफ ईयरली। जब हम एक वर्ष में कोई घटना दो बार घटती है उसे कहते हैं हाफ ईयरली, चाहे एग्जाम ही क्यों ना हो, लेकिन वही अगर दो वर्ष में एक बार होता है उसे बोलते हैं बाईएनियल। तीन वर्ष में एक बार अगर हो तो उसे बोलते हैं ट्राई, और एनियल का स्पेलिंग यही रहेगा ENNIAL, ट्राई एनियल। इसको बोल देंगे त्रिवार्षिक, त्रिवार्षिक। तो इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट विच हैपन्स वंस इन टू इयर्स, वह जो होता है घटता है वंस एक बार, इन टू इयर्स दो साल में, उसे बोलते हैं बाईएनियल। फिर है वार्ड्रोब, वार्ड्रोब अलमारी। आप अलमारी का प्रयोग करते हैं, वार्ड्रोब का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। वार्ड्रोब में क्या रखा जाता है, कपड़े रखे जाते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जगह जहां पे कपड़े रखे जाते हैं उसे बोलते हैं वार्ड्रोब अलमारी। फिर है पगना सिटी मतलब झगड़ालूपन, टेंडेंसी टू क्वारल और फाइट, झगड़ा करने या लड़ाई लड़ने की टेंडेंसी, टेंडेंसी पढ़ते हैं, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो होती है उसे बोलते हैं पग्नासिटी। जो झगड़ालू होता है उसे बोलते हैं पग्नासियस, पग्नासियस, पग्नासियस मतलब झगड़ालू, झगड़ा, क्या लिख दिया, झगड़ा लू, पग्नासियस। तो पांच वर्ड्स, एस्केप गोट बलि का बकरा, वन हु इज मेड टू सफर फॉर ऑन द ट्रेजडी, दुखांत नाटक, अ प्ले विच एंड इन डेथ एंड सोरो, बाईएनियल द्विवार्षिक, दैट विच हैपेंस वंस इन टू इयर्स, वार्डरोब अलमारी, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, पग्नासिटी झगड़ालूपन, टेंडेंसी टू क्वारल और फाइट। आप ध्यान रखेंगे, थैंक यू वेरी मच।